उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को भी ताकत मिले। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में लगातार आगे बढ़ के दूसरे स्थान पर आया है, वहीं पर हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उत्तर प्रदेश से गुंडा राज पर जिस तरह से लगाम कसी गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है वो जनता ने सराहा है। मुलायम सिंह जी के बनाए हुए कुनबे को तो अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाए, तो कुनबा क्या बढ़ाएंगे। देखिए, लोगों ने सपा के राज का गुंडा राज देखा है, हत्या, डकैती, फिरौती, ये सब रोजमर्रा की एक आम बात उत्तर प्रदेश के लिए बन गई थी। और सपा बसपा के उस कालखंड से निकलकर जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, वोट दिया, सरकार चुनी, तो सबसे बड़ा प्रहार उन लोगों पर हुआ जो नामी ग्रामी हस्तियां थी फिरौती के लिए, अपराध के लिए, गुंडागर्दी के लिए, हिंसा के लिए। उन सब की बोलती तूती बंद करने का काम योगी सरकार ने किया। माफिया राज के खिलाफ जो मुहिम चली है ये जन जन ने सराहा है। आज महिलाएं रात को भी घरों से निकल सकती हैं, बेटियां अपनी स्कूटी पर जाकर भी बाजार जा सकती हैं। आज वो डर, भय, खौफ, अपराध, उन सब से मुक्ति दिलाने का काम योगी जी ने किया है। और जनता चाहती है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडाराज मुक्त। इस तरह से ही यूपी बना रहे तो सपा और बसपा मुक्त भी यूपी बना रहे। उनके ही एक दूसरे साथी जो महागठबंधन के साथी थे, जो वैसे तो पता नहीं कब जाते हैं मंदिर ना जाते हैं, लेकिन चुनाव आते जनेऊ धारण करके मंदिरों के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है उन लोगों को जो कभी तिरंगा झंडा उठाने में भी शर्म महसूस करते थे, आज भाजपा का विरोध करने में भी उनको तिरंगा झंडा उठाने की मजबूरी हो गई। जो कभी जय श्री राम का नारा लगाने से कतराते थे, आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत भी जय श्री राम के नारे से होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो उस विचार को लेकर चले थे, जिन मुद्दों को लेकर चले थे, हमने उनको पूरा किया। अनुच्छेद 370 35 ए को हटाया, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो कहा वो किया। ये अंतर है, वो कहते हैं करते नहीं।